भारत का 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला सवाल यह रहा, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? विष्णुगुप्त। अगला सवाल यह रहा, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल यह रहा, बॉम्बे हाई संदर्भित है? आपराट तेल क्षेत्र से। अगला सवाल यह रहा, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। अगला सवाल यह रहा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण प्राणी कौन सा है? गेंडा। अगला सवाल यह रहा, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया था? मुमताज की याद में। अगला सवाल यह रहा, असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। अगला सवाल यह रहा, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल यह रहा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। अगला सवाल यह रहा, महाभारत के लेखक कौन थे? अशोक वेद व्यास। अगला सवाल यह रहा, जुड़वा नगर कौन से हैं? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। अगला सवाल यह रहा, लाल किला का निर्माण किसने किया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। अगला सवाल यह रहा, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? हंसते हुए बुध। अगला सवाल यह रहा, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल। अगला सवाल यह रहा, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? जैन स्थापत्य के। अगला सवाल यह रहा, केला और अनानास मुख्यतया कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला सवाल यह रहा, फरहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल यह रहा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल यह रहा, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगला सवाल यह रहा, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? जैन धर्म में। अगला सवाल यह रहा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। अगला सवाल यह रहा, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य।